दोस्तों बहुत कम ऐसे एनिमेज होते हैं जो दुनिया भर में इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि फैंस उनके मूवीज रिलीज करने का डिमांड करने लगे। अब ये मूवीज खास करके बड़े स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है। अब अगर मैं याद करने जाऊँ ना तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ड्रैगन बॉल, डोरेमोन और शिनचैन की ही मूवीज आती है जो यूजुअली हमने अपने टीवी पर देखी है। लेकिन आज के समय में पॉपुलर एनिमेज को मूवी फॉर्मेट में बनाकर उन्हें सिनेमा हॉल में रिलीज करना जैसे एक ट्रेंड सा बन चुका है। और बने भी क्यों ना भाई, डेमन स्लेयर की मूवी सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों रुपए कमा लेती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो म्यूगन ट्रेन आर्क को देखने के बाद डेमन स्लेयर एनिमे के फैन बने थे। नाउ ऑब्वियसली म्यूगन ट्रेन आर्क डेमन स्लेयर की सबसे पहली मूवी थी जो थिएटर फॉर्मेट में रिलीज हुई थी। अब देखो तब तो उनके मेकर्स ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि ये मूवी $507 मिलियन कमा लेगी। बस इसके बाद तो जैसे डेमन स्लेयर ने मूवीज पर मूवीज निकालने शुरू कर दिए और बस वहीं पे सबसे बड़ी गलती कर बैठे। देखो ये कहना गलत नहीं होगा मूवी के जरिए डेमन स्लेयर का नया कंटेंट निकालना एक बहुत ही ज्यादा गलत फैसला साबित हो रहा है। बेशक ये मूवी पैसे बहुत कमा रही है लेकिन अंदर का कंटेंट भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब जैसे कि लेटेस्ट हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की मूवी मेरे पर्सनल ओपिनियन में डेमन स्लेयर की सबसे बकवास मूवीज में से एक थी। एक और प्रॉब्लम यह है कि ये मूवीज नए ऑडियंस के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अब देखो म्यूगन ट्रेन मूवी के अलावा जितनी भी मूवीज रिलीज हुई है उनका एक पैटर्न सा बना हुआ है। सबसे पहले तो पिछले वाले आर्क का 1 घंटे का रिकैप दिखाओ और फिर सिर्फ 45 मिनट्स का नया आर्क का कंटेंट दिखाओ। अब देखो इससे प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि असली मूवी तो 70% टाइम खत्म होने के बाद देखने को मिल रही है। अब वो 1 घंटे का रिकैप तो हम ऑलरेडी वीकली रिलीज्ड एपिसोड्स में देख चुके हैं। किसी भी मूवी के लिए उसका बिगिनिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप शुरुआत में ही ऑडियंस को एक्साइट नहीं कर पाए तो मूवी देखने का पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। मैं और मेरे दोस्त जब डेमन स्लेयर की मूवीज देखने जाते हैं तो पहले 1 घंटे के लिए तो सो ही जाते हैं और सिर्फ वो 45 मिनट्स का नया आर्क ही देखने के लिए दोबारा उठते हैं। अब हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का रिलीज्ड एपिसोड तो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि हम सोच रहे थे कि क्यों हमने पैसे और टाइम बर्बाद करके यहां पर आ गए हैं। अब जिस एक्साइटमेंट से हम हॉल के अंदर घुसे थे ना उसके दुगने डिसअपॉइंटमेंट से हम बाहर निकले थे। स्पेशली अगर ये कंसीडर करें कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में हमें कितने बड़े एज ऑफ द सीट मोमेंट पर छोड़ा गया था। स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क के एंड में जब तांजिरो अपर मून 4 का गला काटने ही जा रहा होता है तब अचानक सूरज निकल आता है और नेजुको को बुरी तरह से जलाने लगता है। अब तांजिरो अपनी बहन को बचाए या फिर अपर मून 4 को हराए, बहुत मुश्किल से तांजिरो नेजुको को छोड़कर हांतेगु की तरफ भागता है और उसे खत्म कर देता है। अब उसे लगता है कि नेजुको सूरज की रोशनी में जलकर कब का मर गई होगी, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नेजुको हजारों सालों में वो पहली डीमन बनती है जो सूरज की रोशनी को झेल सकती है। इस खबर से मुजान इतना ज्यादा खुश होता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता, 2 अपर मून डीमंस मारे जा चुके हैं। अब मुजान का एकमात्र टारगेट नेजुको बन जाती है जिसे कंज्यूम करके वो सन पर कब्जा कर लेगा। एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि डीमन स्लेयर्स और मुजान के बीच एक ऑल आउट वार छिड़ने वाली है। अब हाशिरा ट्रेनिंग आर्क मूवी का मेन प्रीमाइस ये है कि एक ऑल आउट फाइट से पहले सभी डीमन स्लेयर्स एक कमर तोड़ ट्रेनिंग पर निकलेंगे और साथ ही हाशिराज भी कुछ बेहद ही कूल न्यू टेक्निक्स सीखेंगे। लेकिन अब 45 मिनट्स में वो कितना ही दिखा पाते। आधे वक्त तो तांजिरो हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ था और दूसरे आधे टाइम हाशिराज डीमन स्लेयर मार्क्स की बात कर रहे थे जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी डीमन स्लेयर फैंस को पहले से ही पता है। और फिर बीच बीच में फोर्स्ड कॉमेडिक सीन्स भी इंक्लूड कर दिया गया जिसने स्टोरी को आगे बढ़ाने का कोई काम ही नहीं किया। एंड रिजल्ट ये हुआ कि पूरी मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो गई। अब इसके कंपैरिजन में अगर पिछली 2 मूवीज की बात करें ना तो वो बहुत ही ज्यादा अलग थी। सबसे पहले तो म्यूगन ट्रेन की मूवी वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवीज के कैटेगरी में आराम से फिट होती है। पूरी मूवी की स्टोरी लाइन बिल्कुल परफेक्ट थी, कहीं से भी पुराना कुछ नहीं दिखाया जा रहा था। इनफैक्ट पहले मोमेंट से ही मूवी ने एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी थी। म्यूगन ट्रेन आर्क से कुछ एपिसोड्स पहले ही हमने हाशिराज और उनके पावर्स के बारे में सुना था कि कैसे वो डेमन स्लेयर कॉर्प्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स हैं। और म्यूगन ट्रेन में हमें वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव हाशिरा रेंगुकू क्यूज़ीरो को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 2 घंटे के इंटरवल में कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस भी कर दिया जाता है, उसकी बैक स्टोरी भी दिखा जाती है, उसकी टॉप टायर फाइट्स भी दिखा दी जाती है और फिर मूवी के एंड में वो कैरेक्टर मर भी जाता है और आप एक्चुअली में मूवी के एंड में रेंगुकू को मरते देख बेहद दुखी भी हो जाएंगे। देखो म्यूगन ट्रेन उस लेवल की इमोशनल मूवी थी और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इमोशंस के बलबूते पर वो इतनी ज्यादा फेमस हुई थी। देखो मैं आज भी कह सकता हूँ कि रेंगुकू वर्सेस अकाजा की फाइट वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड और बेस्ट एनिमेटेड फाइट्स में से एक है। रेंगुकू का रिजॉल्व और उसकी ब्रीदिंग टेक्निक्स ने जिस टाइप के एनिमेशन को जन्म दिया था ना,
मैं श्योर हूँ कि सिनेमा हॉल में देखने वाले लोगों का पूरा पैसा वसूल हो गया होगा। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मूवी ने तांजिरो कामाडो के कैरेक्टर को भी ग्रो होने का मौका दिया था। तांजिरो ने अपनी आंखों से अपर डीमंस के आतंक को देखा था। अब उस मोमेंट में तांजिरो के लिए रेनगोकू से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं था, लेकिन जिस बेरहमी से अकाजा रेनगोकू को मारता है, हमारे तांजिरो को समझ आ जाता है कि अपर डीमन को हराने के लिए उसे कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ऑल इन ऑल ये एक परफेक्ट मूवी थी। स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क के वक्त भी जो मूवी आई थी ना, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। म्यूगन ट्रेन में अपर डीमन 3 अकाजा को देखने के बाद सब एक्साइटेड थे कि दूसरे अपर डीमन कैसे होंगे, और लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुए। हमें इन्फिनिटी कैसल्स के अमेजिंग विजुअल्स के साथ पांचों अपर डीमन्स के लुक्स और कई हद तक उनकी पावर्स की एक छोटी सी झलक भी देखने को मिल गई। अब ये प्रॉपर मूवी तो नहीं थी, लेकिन तब भी अपर डीमन्स के इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में दिखाई गई थी। अब हाशिरा ट्रेनिंग में तो आधे से ज्यादा टाइम पिछले एपिसोड चल रहा था और दूसरे आधे टाइम कॉमेडी चल रही थी। अब कॉमेडी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिनेमा हॉल में जाकर मैं एक्शन देखना ज्यादा पसंद करता हूँ, खास करके डीमन स्लेयर की मूवी में। अब मैं मानता हूँ कि एक्शन दिखाया गया था, लेकिन सिर्फ शुरुआती कुछ ही मिनट्स में। ऑनेस्टली सिर्फ यही मूवी का हाई पॉइंट था, जब दो हाशिरा सानेमी और ओबानाई अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स दिखाते हैं और एंड में जब हमें इन्फिनिटी कैसल की एक झलक दिखाई देती है। अब यार मैं हाशिरा ट्रेनिंग आर्क मूवी की एकदम से ही बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वीकली एपिसोड्स जो रिलीज होंगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए डीमन स्लेयर वाले जो टेक्निक्स अपना रहे हैं ना, वो अब पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। वे अच्छे से फैंस के हाइप को समझते हैं, वो ये भी अच्छे से जानते हैं कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन देखो यार, पैसा कमाने के लिए उन्होंने इस मूवी को रिलीज कर दिया। वैसे हर चीज बुरी भी नहीं थी। डीमन स्लेयर की मूवीज अपने एनिमेशन के लिए जानी जाती है, और सिनेमा हॉल में बैठकर पिछले एपिसोड का रिकैप भी देखना इतना बुरा भी नहीं होगा। देखो इसके अलावा मूवी ने आने वाले एपिसोड्स को लेकर एक अच्छी हाइप क्रिएट कर दी है। मांगा फैंस तो बार बार कह रहे हैं कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क काम बिफोर द स्टॉर्म वाला आर्क है, और उसके बाद आने वाले इनफाइनाइट कैसल आर्क बेहद ही ब्रूटल होने वाला है। लेकिन बदकिस्मती से उसके लिए हमें कम से कम 1 या 2 साल तो वेट करना ही पड़ जाएगा। लेकिन चलो ये वेट भी वर्थ इट होगा। मैं बस होप कर रहा हूँ कि अगर डीमन स्लेयर वाले एक और मूवी बनाने का सोच रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स जरूर इंक्लूड करें। वैसे क्या आपने इस मूवी को देखी है? अगर देखी है तो क्या आप मेरे ओपिनियन से रिलेट कर पा रहे हो? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी। इसको जाकर देखो, यहाँ पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।